स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज़ ईदगाह। अ फुल 30 डेज आफ्टर रमज़ान कम्स ईद। 30 दिनों के रमज़ान के बाद ईद जो है वो आती है। इट वॉज़ अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज अगोग। वह एक ग्लोरियस मॉर्निंग थी, बहुत अच्छी सुबह थी। एंड द विलेज वॉज अगोग, जो विलेज था, जो गाँव था, वो बहुत ही ईगर था, बहुत उत्सुक था, विद एक्साइटमेंट, जोश के साथ। पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह। लोग जो है वो तैयार हो रहे थे ईदगाह जाने के लिए। बट द हैप्पीस्ट ऑफ ऑल वॉज हामिद, पर जो सबसे ज़्यादा खुश था वो हामिद था। अ लिटिल बॉय ऑफ 4 और 5, जो कि 4 या 5 साल का लड़का था। एन ऑर्फन, वो अनाथ था, यानी कि उसके माता पिता नहीं थे। ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर अमीना एंड स्लैप्ड इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स। वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था, जिनका नाम क्या था, अमीना, और वो उनकी प्रोटेक्टिव आर्म्स में सोता था, यानी कि उनकी रक्षा करने वाली जो हाथ थे, बाजुएं थी, यानी कि उनसे गले लग कर के वो सोता था। थिंकिंग दैट हिज फादर वुड कम बैक विद बैग्स ऑफ फुल मनी एंड हिज मदर वुड बी कम बैक फ्रॉम हेवन विद ब्यूटिफुल गिफ्ट्स। यह सोचते हुए कि उसके पिता जो है पैसों से भरे हुए बैग के साथ आएंगे और उसकी जो माता है वो स्वर्ग से उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएगी। होप इज़ अ वंडरफुल थिंग, जो आशा थी वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन अ चाइल्ड्स होप, और जो उस बच्चे को आशा थी वो बहुत अच्छी चीज़ है, कि वो आशा करता था कि शायद उसके माता पिता आएंगे। पुअर अमीना सेट इन होवेल, होवेल का मतलब होता है एक छोटा सा घर, टूटा फूटा, एंड क्राइड, और रोती थी। इट वॉज ईद, वो ईद का दिन था। एंड शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस, और उसके पास एक दाना अनाज का खाने के लिए नहीं था घर में। शी वॉज फिल्ड विद ग्लूम, वो किससे भर गई, दुख से। ग्लूम का मीन्स है दुख, फिल्ड मतलब भर जाना, एंड डिस्पेयर, और निराशा से। वैन हामिद एंटर द हट, जब हामिद ने एंटर किया हट में, उसकी झोपड़ी में, घर में, एंड सैड, और उसने कहा यू मस्ट नॉट वरी अम्मा, उसने अपनी दादी को क्या कहा कि अम्मा आप चिंता मत करिए, आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स, मैं वापस आ जाऊँगा जब तक कि कोई और आएगा, यानी कि कोई और आए उससे पहले ही वो कहता है कि मैं वापस आ जाऊँगा। अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हर्ट, अमीना ने क्या महसूस किया, बहुत भारीपन अपने दिल पर, यानी उसे बहुत दुख हुआ। अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर्स, जो दूसरे बच्चे थे वो अपने पिता के साथ जा रहे थे, बट हामिद हैड नो वन टू एकम्पनी हिम, पर हामिद जो है उसको साथ देने वाला कोई नहीं था। ही हैड नो शूज, उसके पास जूते नहीं थे। ही हैड नो शूज एंड हैड टू वॉक 3 miles, यानी कि उसके पास जूते नहीं थे और उसे पैदल कितना चलना था, 3 मील तक चलना था। ही वुड गेट ब्लिस्टर्स, उसे क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। देयर वर ओनली 8 पैसे इन द हाउस, घर में सिर्फ 8 पैसे थे। 3 in Hamid's pocket, 3 हामिद की पॉकेट में रखे थे, एंड 5 in Amina's pouch, और 5 जो थे वो अमीना के पाउच में थे, यानी कि उसके पर्स में थे। द विलेजर्स स्टार्टेड फॉर द फेयर, जो गांव वाले हैं उन्होंने मेले में जाना शुरू किया। मेला कहाँ लगा हुआ था, ईद का, ईदगाह पर, ठीक है, जहाँ सभी लोग जा रहे थे। हामिद वॉज वॉकिंग अलोंग विद द अदर चिल्ड्रन, जो हामिद है वो दूसरे बच्चों के साथ चलने लगा। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, वो इतने धीरे क्यों चल रहे हैं, ये कौन सोच रहा है, ये हामिद सोच रहा है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ईदगाह पे मेले में पहुंचना चाहता है। वट एवर कॉट देयर आइज, उन्होंने क्या देखा, दे वुड स्टैंड एंड गेप एट इट इन वंडर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे कुछ ना कुछ उन्हें दिखाई दे रहा था, नई सी नई चीज़ें, तो वो वहीं रुक जाते और मुंह खोल करके देखने लगते आश्चर्यजनक से। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमें आश्चर्य हो कि ये कैसा है, तो हम वो बच्चों के बारे में बताया गया है कि वो मुंह खोल के उनको देखने लगते। हामिद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट, हामिद क्या सोच रहा था, फेल्ट का मतलब है क्या सोच रहा था, वो सोचना, ठीक है, महसूस करना, कि उसके पंख होते उसके पैरों में तो वो पंख लगा के उड़ जाता, मतलब जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाता। सडनली दे कुड सी द ईदगाह, अचानक ही उन्होंने क्या देखा, ईदगाह को देखा। देयर वर रोज अपॉन रोज ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज आइज कुड सी,
और वहाँ पे वर्शिपर्स यानी पूजा करने वालों की कतारें लगी हुई थी, जहाँ तक उनकी आंखें देख पा रही थी वहाँ तक, मतलब वहाँ बहुत भीड़ थी। स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड, और वहाँ कहाँ दूर दूर तक जो मस्जिद थी वहाँ पे वो जो भीड़ है वो फैली हुई थी। हियर नीदर वेल्थ नोर स्टेटस मैटर्स, यहाँ पे जो किसी के पास कितना पैसा है या क्या स्टेटस है उनका, वो समाज में किस तरह से रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सभी लोग पूजा करने के लिए वहाँ आते थे। बिकॉज इन द आइज़ ऑफ इस्लाम ऑल मेन आर इक्वल, क्योंकि इस्लाम के जो धर्म है उसकी आँखों में सभी लोग क्या हैं, समान हैं। ठीक है, द प्रेयर्स वर ओवर, जो प्रेयर्स थी, जो प्रार्थना थी वो ख़त्म हो गई। मैन एम्बेरेस्ड ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। देन दे डिस्केंडेड ऑन द स्वीट शॉप्स, फिर वो कहाँ चले गए, मिठाई की दुकानों पर। अ मैरी गो राउंड, एक झूला होता है गोल गोल बच्चों का झूलने वाला, उसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। वुडन हॉर्सेस एंड कैमल सस्पेंडेड ऑन रोड्स एंड द टॉयज वेंडर्स, अब लोग कहाँ जा रहे थे, स्वीट की शॉप्स पर, झूलों पर, जो लकड़ी के घोड़े थे और ऊँट थे उनके ऊपर, और झूला झूलने के लिए, क्योंकि वो कहाँ सस्पेंडेड थे, लगे हुए थे, ऑन रोड्स छड़ों पर, या कि जो लोहे की बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं ना, छड़े होती हैं उनके ऊपर जो ये कैमल्स और हॉर्स लगे हुए थे, एंड द टॉय वेंडर्स, और खिलौने बेचने वाले लोगों के पास जाने लगे थे। हामिद्स फ्रेंड महमूद मोहसिन नूरी एंड समी रोड ऑन द कैमल्स एंड हॉर्सेस, जो हामिद के फ्रेंड थे कौन कौन से थे, महमूद मोहसिन नूरे एंड शमी जो है उन्होंने कैमल्स और हॉर्सेस के ऊपर राइड करने लगे, झूला झूलने लगे।